जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। तो दोस्तों, यदि आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि छावनी परिषद के अंदर यहां पर महिलाएं और पुरुष के लिए बड़ी भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, केवल यहाँ पर 12वीं पास योग्यता मांगी गई है और एप्लीकेशन फॉर्म फीस भी बिल्कुल फ्री है। तो काफ़ी अच्छा मौका है आप सभी के लिए एक छावनी परिषद के अंदर सरकारी नौकरी पाने का। यदि आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौका है। लास्ट डेट की यदि बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट 10 मार्च 2023 रखी गई है। जी हाँ, 10 मार्च 2023 यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। 10 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। कैसे अप्लाई करना है, किस लोकेशन में आपकी भर्ती करी जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी ऐसे ही जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो ये हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छावनी परिषद के अंदर कानपुर में यहाँ पर ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस भी आपको दिया गया है, यूपी की तरफ से ये वैकेंसी रखी गई है, यूपी स्टेट की तरफ से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैकेंसी, यहाँ पर मेल डॉक्टर के लिए, लाइन मैन के लिए है, मिडवाइफ के लिए है जो कि केवल फीमेल के लिए वैकेंसी है मिडवाइफ वाली पोस्ट के लिए, और जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। सैलरी भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी दी जाएगी। मेल डॉक्टर के लिए यहाँ पर 56,000 से लेकर 1,77,500 रुपये तक भी यहाँ पर मंथली सैलरी दी जाएगी। लेकिन मेल डॉक्टर के लिए यहाँ पर MBBS आपका होना चाहिए और 1 साल की यहाँ पर इंटर्नशिप आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए। वैसे ही लाइन मैन की यदि बात करें तो 19,000 से लेकर 63,200 रुपये तक मंथली सैलरी दी जाएगी। हाई स्कूल आपकी यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए साइंस से लेकर, और ITI सर्टिफिकेट भी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। वैसे यदि मिड वाइफ की बात करें जो कि फीमेल के लिए वैकेंसी, यहाँ पर 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी, और इंटरमीडिएट यहाँ पर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, यानी 10th पास आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, 1.5 साल का यहाँ पर ANM से आपका कोर्स होना चाहिए, और यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम से 6 महीने का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और वैसे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये मंथली दी जाएगी। यहाँ पर भी आपकी 10th पास होनी चाहिए, और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और इंग्लिश के अंदर यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और यहाँ पर CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये तो रही सारी एलिजिबिलिटी की, यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 30 प्लस पीरियड मिलिट्री, यानी यदि आप एक सर्विस मैन है तो यहाँ पर 3 साल का ज़्यादा यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वैसे ही रिजर्व्ड OBC के लिए यहाँ पर 33 एज की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। उसके अलावा 3 साल यहाँ पर यदि आप मिलिट्री सर्विस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 3 साल और आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और रिजर्व SC ST के लिए यहाँ पर 35 की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, यानी 35 वर्ष की उम्र तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिलिट्री सर्विस का 3 साल आप भी अलग से लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से होगा दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग स्पीड के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, और यहाँ पर क्वालिफाइंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, उसके बिया पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। वैसे आप पूरा यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे, यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की। दोस्तों यहाँ पर UR, OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये की फॉर्म फ़ीस है, और यहाँ पर SC ST PWD एक्स सर्विस मैन ट्रांसजेंडर और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस बिल्कुल फ्री है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका, और यहाँ पर लास्ट डेट आप जैसा कि देख सकते हैं 10 मार्च 2023 यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। तो मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।